हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके साथ वेज मंचूरियन की रेसिपी शेयर करेंगे। हम घर पे ही बिल्कुल बाहर से भी मतलब अच्छी ही बना के दिखाएंगे आपको, तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना। उसके लिए हम लोग पहले पत्ता गोभी और शिमला मिर्च को बारीक बारीक काट के इस चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। तो ये इतना बारीक हमें चॉप करना है जिससे मंचूरियन बॉल्स भी अच्छी बन सके। तो ये सारा इसी तरह हमने चॉप कर लिया, ये देखिए। इसके बाद हम इसमें मैदा डालेंगे और फिर थोड़ा अरारोट पाउडर डालेंगे, उससे थोड़ी हमारी मंचूरियन बॉल्स होंगे थोड़ी क्रंची बनेंगी। फिर हम इसमें ये नमक डालेंगे, फिर हम इसमें चाट मसाला टेस्ट के हिसाब से डाल लेंगे, और ये थोड़ा हम कलर डाल लेंगे जिससे हमारी मंचूरियन बॉल्स में थोड़ा कलर आ जाए। और इसमें देखो, जैसे हमें मंचूरियन बॉल्स का जो मिक्सचर तैयार करना है तो इसमें हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि पत्ता गोभी खुद अपने आप में थोड़ा पानी छोड़ती है। तो इस वजह से हम इसे को थोड़ा जब मिक्स कर लेंगे तो हल्का हल्का पानी डाल लेंगे। इस हिसाब से अपने अंदाजे के हिसाब से हम डाल लेंगे, और इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो ये देखिए, हमने ज़्यादा इतना पानी भी नहीं डाला है और ये मिक्स होने लगा है, कुछ इस तरह हो जाएगा। फिर इसे हमें कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख देना है। फिर देखो, अब फ्रिज से निकालने के बाद हमें थोड़ी देर ऐसे छोड़ देना है, और फिर हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। पहले कढ़ाई में हमने ऑयल ले लिया है, उसको गर्म करने के बाद हम इसमें ये बॉल्स की शेप दे देंगे इसको। और इसमें हमने ये देखो, थोड़ा थोड़ा हम पानी यूज़ कर रहे हैं हाथ में, जिससे बॉल्स अच्छी शेप में बन सके, ये मिक्सचर हमारे हाथों में ही ना चिपके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसी तरह हमें जितना भी सारा मिक्सचर है उसकी ये मंचूरियन बॉल्स बना देनी है। तो पहले हम अपनी पूरी कढ़ाई भर लेंगे, फिर उसके बाद देखो ये नीचे से थोड़े ब्राउन ब्राउन होने लगे थे तो हमने इसको पलट दिया। हमें अच्छे से इन सबको फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, जैसे कि इसका अंदर का जैसे पक जाए, ये मंचूरियन बॉल्स रेडी हो जाए हमारी, तो हम इसको अलग निकाल लेंगे। तो ये देखिए, कलर भी बिल्कुल बाहर जैसे जैसे मंचूरियन बॉल्स का होता है वैसा ही है। और फिर हम उसके लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। अब इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल लिया, फिर उसके अंदर हमने थोड़ी ये प्याज कटी हुई डाल दी, फिर हम ये वाला मसाला यूज़ करेंगे। मंचूरियन मसाला हमें भारी मिल जाता है किसी भी शॉप से, और ये हमने पत्ता गोभी डाल दी है इसमें कढ़ाई में। फिर हम इस मसाले को एक कटोरी में डाल लेंगे, फिर उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे और अच्छे से इसे घोल लेंगे। तो हम मसाले को अगर हम डायरेक्ट डालेंगे तो उसमें छोटे छोटे गांठ से बन जाएंगी, घुल नहीं पाएगा वो अच्छी तरह से, इसलिए हमने इसे पानी में घोल के फिर इसमें कढ़ाई में डाला है। अब हमने इसमें पानी डाल दिया थोड़ा, और फिर हम इसमें खदका आने तक मतलब इसे गर्म करेंगे, फिर उसके बाद हम ये बॉल्स इसमें छोड़ देंगे। तो ये देखिए आप, जैसे कि देख ही सकते हैं बिल्कुल बाहर जैसी लग रही है ना, ये टेस्ट में भी बिल्कुल अच्छी है। और हमें बस क्या करना होता है, बस वो मसाला जो होता है मंचूरियन मसाला हमें बाहर किसी भी शॉप से मिल जाएगा, तो हमें वो लाना है। बाकी सब सामान तो हमारे घर में मिल ही जाता है हमें। तो हमने थोड़ा सा बटर डाल दिया था, इसके साथ हमारी वेज मंचूरियन बन के तैयार हो गई है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना इसको, बहुत टेस्टी थी ये। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।